बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 9 बल तथा गति के नियम यानी फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग संवेग के बारे में पढ़ेंगे। देखें संवेग क्या है। अगर यम द्रव्यमान की कोई वस्तु, गतिशील वस्तु, यम द्रव्यमान की कोई गतिशील वस्तु भी वेग से गति कर रही हो तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल ही संवेग कहलाता है। संवेग को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। पी इजकल टू होता है यम इंटू वी। संवेग एक सदिश राशि होती है और संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होती है। और अब इसके बाद हम आपको संवेग का मात्रक बता दें तो यम द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और भी वेग है, वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। अब इसके बाद हम लोग गति का प्रथम नियम तो पिछले वीडियो में देख चुके हैं, अब हम लोग गति का द्वितीय नियम देखेंगे। और एक चीज हम आपको बता दें कि संवेग के बारे में भी न्यूटन ने ही बताया था। अब हम लोग गति के द्वितीय नियम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। गति का द्वितीय नियम, द्वितीय नियम जिसको हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंग्लिश में कहेंगे, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो अब हम देखते हैं कि गति का द्वितीय नियम क्या है। देखें द्वितीय नियम यह बतलाता है कि किसी वस्तु के संवेग का परिवर्तन, या ऐसे कह लीजिए कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन का दर उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। तो संवेग परिवर्तन की दर, दूसरे शब्दों में देखें संवेग को पी से प्रदर्शित करते हैं, और अगर संवेग में होने वाला परिवर्तन तो अगर हम डेल्टा लगा देते हैं तो ये संवेग में होने वाला परिवर्तन हो जाता है, और समय से हम भाग दे देते हैं तो यह संवेग परिवर्तन की दर हो गई। तो संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है, गति का द्वितीय नियम यही कहता है। तो अब हम लोग इसको गणितीय आधार पर, या हम जो है इसको गणितीय गणना के माध्यम से सिद्ध करके देखेंगे कि गति का द्वितीय नियम में कैसे संवेग परिवर्तन की दर बल के बराबर होता है। लेकिन इसका जो स्टेटमेंट होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि गति का द्वितीय नियम बताइए, तो गति के द्वितीय नियम में आप यही बताएंगे कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस वस्तु पर लगने वाले बल के बराबर होता है। अब देखें अगर यम द्रव्यमान का कोई वस्तु जिसका प्रारंभ में वेग u है और स्मॉल t समय बाद अगर इसका वेग भी हो जाता है, आपको पता है कि प्रारंभिक वेग को हम u से प्रदर्शित करते हैं और अंतिम वेग को भी से प्रदर्शित करते हैं। तो अब एक चीज और है कि संवेग यम इंटू वी यानी द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होता है।
तो अगर हम पहले का संवेग निकालें तो द्रव्यमान और पहले का वेग हो जाएगा, पहले का वेग u है, और अगर हम बाद का संवेग निकालें तो द्रव्यमान और बाद का वेग भी है। अब अगर हम देखें कि संवेग में कितने का परिवर्तन हो रहा है, तो संवेग में होने वाले परिवर्तन को हम डेल्टा पी से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पी संवेग है, और डेल्टा लगा देते हैं तो डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन। तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ यह ज्ञात करने के लिए बाद वाले संवेग में से पहले वाले संवेग को हम घटा देंगे। अब इसके बाद देखें डेल्टा पी इजकल टू, अब हम पी टू का मान यहाँ रख देते हैं, तो पी टू का मान है यम भी और पी वन का जो मान है वो यम यू है। अब यहाँ से हम डेल्टा पी इजकल टू अगर यम हम कामन ले लें तो यम कामन ले लेंगे तो ये हो जाएगा भी माइनस यू। अब हमको दर ज्ञात करना है, तो दर ज्ञात करने के लिए समय से भाग देना होता है, दर का मतलब ही होता है कि समय से भाग। अब हम यहाँ समय से भाग दे देंगे तो देखें दोनों पक्षों में हम समय से भाग देते हैं, इसको हम यहाँ लिख रहे हैं, तो अब देखें क्या हो जाएगा, डेल्टा पी बाई टी इजकल टू हो जाएगा यम, ये हो गया भी माइनस यू बाई टी। तो डेल्टा पी का मतलब संवेग में होने वाला परिवर्तन, और टी से भाग देते हैं तो इसका मतलब हो जाता है दर। तो ये है संवेग परिवर्तन का दर। अब देखें ये डेल्टा पी बटा में टी इजकल टू यम, जरा देखिए भी माइनस यू क्या है, तो भी माइनस यू है वेग का परिवर्तन, और ये टी है दर। आपको मालूम है कि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं, वेग यानी वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, मतलब भी माइनस यू बटा में टी की जो वैल्यू होगी वह ए के इक्वल हो जाएगी। तो अब इसके जगह पे हम कर देंगे ए। अब जो है ये डेल्टा पी बटा में टी इजकल टू, आपको पता है कि एफ बराबर होता है यम इंटू ए, तो यम इंटू ए के जगह पर एफ कर देंगे, तो ये डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ये है संवेग परिवर्तन की दर। और द्वितीय नियम यही है कि संवेग परिवर्तन का दर बल के बराबर होता है। तो इस प्रकार गति के द्वितीय नियम का हम लोग गणित के आधार पर सत्यापन भी कर लिए। तो देखिए आज आपको दो चीज़ें बताई गई, दो बल्कि कह लीजिए तीन चीज़ें बताई गई। सबसे पहले आपको संवेग, संवेग का सूत्र, संवेग का मात्रक बताया गया, फिर इसके बाद गति का द्वितीय नियम बताया गया, और फिर गति के द्वितीय नियम का हम लोग गणितीय सत्यापन किए। ये तीनों टर्म जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए, और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें, ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।